गिरिपार के मुद्दे पर बीडीसी चेयरमैन सांगड़ा ने पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। मेलराम शर्मा के अनुसार वीरभद्र सरकार ने भेजी थी गिरिपार से पहले बड़ा भंगाल व डोडरा अखबार को एसटी स्टेटस देने संबंधी रिपोर्ट। पूर्व विधायक की पुण्यतिथि पर नॉन वेज तो बकरों की धाम के लिए भी कांग्रेस नेताओं पर जड़े गलत परंपराएं शुरू करने के आरोप। महिलाओं को 3 जगह बुलाकर 10-10 हजार का प्रलोभन देने वाले स्थानीय विधायक को सांगड़ा ब्लॉक की एसएचजी की महिलाओं को सरकार द्वारा 1.5 साल में करीब 97 लाख जारी करने की बात याद दिलाई। भाजपा जिला उपाध्यक्ष बलबीर ठाकुर ने कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा के बयान को बताया गिरिपार वासियों में भ्रम फैलाने वाला। पंचायत समिति सांगड़ा के अध्यक्ष मेलाराम शर्मा तथा भाजपा के जिला उपाध्यक्ष बलबीर ठाकुर ने आज पत्रकारों से बातचीत में गिरिपार को एसटी स्टेटस के मुद्दे पर प्रतिभा सिंह तथा अन्य आला कांग्रेस नेताओं पर भ्रम फैलाने तथा इसका झूठा क्रेडिट लेने की नाकाम कोशिश आरोप लगाए। उक्त नेताओं ने 2 दिन पहले वर्तमान स्थानीय विधायक के पिता एवं पूर्व विधायक प्रेम सिंह के पुण्यतिथि समारोह में श्राद्ध के दौरान कांग्रेस नेताओं पर नॉन वेज अथवा बकरे की धाम देकर हिंदू आस्था से खिलवाड़ अथवा गलत परंपरा शुरू करने के भी आरोप लगाए। बीडीसी संगड़ा के अध्यक्ष मेलाराम शर्मा ने प्रतिभा सिंह के उस बयान को गलत बताया जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एवं उनके पति वीरभद्र सिंह द्वारा गिरिपार को एसटी स्टेटस दिलाए जाने संबंधी कोशिशों की बात कही थी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व उप निदेशक रह चुके मेलाराम शर्मा ने कहा कि दरअसल वीरभद्र सिंह सरकार ने इस बारे केंद्र सरकार को भेजी गई एक रिपोर्ट में डोडरा अखबार और बड़ा भंगाल को गिरिपार से ज्यादा दूर दराज व शेड्यूल टाइप स्टेटस का हकदार बताया था, जिसके चलते आरजीआई व जनजातीय मंत्रालय में सालों उक्त मामला लंबित रहा और उस दौरान वह सरकारी नौकरी में थे, जिसके चलते उन्हें इस बात की बखूबी जानकारी है। रेणुका के कांग्रेस विधायक विनायक कुमार पर उन्होंने महिला मंडलों को 10-10 हजार के चेक के प्रलोभन के नाम पर यहां वहां दौड़ाने तथा गुमराह करने के आरोप लगाते हुए कहा कि पहले उन्होंने महिला मंडलों को ददाहू, फिर सागना और फिर महीना में आयोजित कांग्रेस की बैठकों अथवा रैलियों में बुलाया और 3 बार भीड़ जुटाने के बावजूद राशि जारी नहीं की। उन्होंने कहा कि माइना में आयोजित रैली में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने पहली बार किसी जनसभा में महिलाओं की इतनी भीड़ जुटने की बात तो कही, मगर महिलाओं को बुलाने के बावजूद 10-10 हजार पर अपने भाषण में कोई कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता कुछ नहीं बोला। मेलाराम शर्मा ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली प्रदेश व केंद्र सरकार महिलाओं के उत्थान व आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बेहतरीन कार्य कर रही है और रोडो जूस, जैम व स्क्वैश जैसे प्रोडक्ट्स तथा कुछ अन्य घरेलू उत्पाद बेचने वाली महिलाओं को उन्होंने पंचायत समिति संगड़ा की तरफ से एक दुकान निःशुल्क भी उपलब्ध कर पाई है। उन्होंने कहा कि संगड़ा ब्लॉक के कुल 405 एसएचजी में से 285 को जहां सरकार द्वारा आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 15-15 हजार रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई है, वहीं स्वयं सहायता समूह के कुल 30 के करीबियों को जारी की है 55 लाख को लगाकर 1.5 साल में 97 लाख की राशि महिला मंडलों को जारी की गई है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष बलबीर ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा सहित कई बड़े कांग्रेस नेता गिरिपार के मुद्दे पर जनता को बरगलाने में लगे हैं और किसी न किसी तरह से 55 साल पुरानी इस मांग में रोड़ा अटकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि गिरिपार की जनता सब समझती है और इसीलिए 14 सितंबर से हाटी समिति द्वारा जगह जगह आयोजित की जा रही धन्यवाद रैलियों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व बलदेव तोमर सहित सभी आला नेताओं का क्षेत्रवासी आभार जता रहे हैं। रणुका दिवस जो है हमारे रेणुका चुनाव क्षेत्र में जो मैना बाग नामक जगह में जो हमारे जो पूर्व विधायक थे यानी कि हमारे विधायक महोदय के पिताश्री स्वर्गीय डॉक्टर प्रेम सिंह जी के श्राद्ध के उपलक्ष्य पर जिस तरह से बकरों की धाम खाने के लिए जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के नेता वहाँ पहुँचे और जिसमें जो है माननीय सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने एक बहुत ऐसी बात कही कि राजा वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो वो भी यहाँ जो है हाटियों का समर्थन करते थे और वो भी इस समुदाय को जो है अनुसूचित जनजाति में शामिल करना चाहते थे, लेकिन ये प्रतिभा सिंह जी सांसद होते हुए भी झूठ बोल रही हैं और यहाँ का जो है रेणुका तहसील के जितने भी हाटी समुदाय के लोग हैं पढ़े लिखे हैं वो सब समझते हैं और सबको मालूम है कि जब माननीय वीरभद्र सिंह जी के समय में जब केंद्र ने इस हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए जब रिपोर्ट मांगी थी प्रदेश में कांग्रेस सरकार से, तो आज भी रिकॉर्ड वहाँ फाइलों में दर्ज है कि वीरभद्र सिंह जी ने वहाँ पर जो है ये फाइलों में जो है ये टिप्पणी भिजवाई कि रेणुका गिरिपार का जो ये हाटी समुदाय है इससे भी ज़्यादा पिछड़ा जो है हिमाचल प्रदेश में डोडरा क्वार और बड़ा बंगाल जैसे इलाके हैं और यदि हाटियों को जो है अनुसूचित जनजाति में दर्ज किया जाए तो उससे पहले जो है डोडरा क्वार और बड़ा बंगाल को जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाए, तो उन्होंने तो इसमें जो है पचड़ पाई है और कोई काम नहीं किया और उसके बाद ही ये हमारा मुद्दा जो है ठंडे बस्ते में चला गया। और आज जबकि केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार के
प्रयासों से, और जो हमारा सिरमौर का सपूत है बलदेव तोमर जी और यहाँ के हाटी समुदाय के जो हमारे नेता लोग हैं उनके सतत प्रयासों के कारण जब हम इस क्षेत्र के लोगों को जो है ये अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया, तो इससे जो है इनको कांग्रेसियों को तकलीफ हो रही है और फिजूल का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि वहाँ काफ़ी लोग वहाँ गए थे उसमें उनके समारोह में, तो विनय कुमार जी ने जो है महिलाओं को प्रलोभन दिया है 10,000 रुपये देने का, और उन्होंने पहले उनको ददाऊ बुलाया महिलाओं को, उसके बाद टिकरी डसाकड़ा में बुलाया, और उसके बाद जो है यहाँ मैनाबाग में बुलाया और 10,000 रुपए देने का प्रलोभन दिया, लेकिन अभी तक किसी को कोई पैसे नहीं दिए। जबकि महिलाओं को सबको पता है कि हमारे संग्राह विकास खंड में अभी तक जो है 405 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है पंजीत हो चुके हैं पिछले 1.5 सालों के दौरान, और उसमें जो है 3,711 महिलाएं हैं, और 285 हमने जो है वो 15,000 रुपए की राशि जो है उनके अकाउंट में डाल दी है, जिसमें 42,75,000 रुपए जो है 285 सेल्फ हेल्प ग्रुप के खाते में जा चुके हैं, और उसके अतिरिक्त टोटल जो है 30 बीओ हमारे जो है गठित किए गए महिलाओं के इस संग्राह विकास खंड में, उनको भी 55 लाख रुपए से ज्यादा जो है उनके खाते में बीओ के खाते में अभी तक जो है धनराशि सरकार ने दे दी है। तो इसको कहते हैं महिलाओं का विकास करना, इसको कहते हैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, और हमने तो महिलाओं के लिए जो है संग्राम में मैंने विकास खंड परिसर में ही वहाँ पे एक दुकान दी है जिसमें पूरे संग्राम ब्लॉक की महिलाओं के उत्पाद जो है वहाँ बेचे जाते हैं, जो महिलाएं जो है आत्मनिर्भर अपने काम करना चाहती है, तो इस तरह का हमने लाभ किया है महिलाओं को आगे लाने का। ये तो महिलाओं के साथ छलावा कर रहे हैं और उनको जो है बरगला रहे हैं, तो इससे जो है कुछ भी भला होने वाला नहीं, और मैं तो गारंटी देता हूं कि इस बार जब हाटी मुद्दा हमारा सिरे चढ़ गया है तो विनय कुमार की जो है इस बार जमानत जब्त होने वाली है, और जैसा कि हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलना है तो पूरे सिरमौर में भी और रेणुका सीट में भी इस बार रिवाज बदलने वाला है। देखिए, इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा जी भी उस समारोह में उपस्थित हुई, और बहुत बड़ा दुख का विषय है कि हाटी विषय पर चर्चा हुई, इसका श्रेय लेने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है। हमें मालूम है कि चाहे वीरभद्र सिंह है, चाहे अन्य कभी भी कांग्रेस की सरकार रही है, कोई भी प्रयास हाटी समुदाय जो हमारे हैं उसके लिए इन्होंने नहीं किया, चाहे मुख्यमंत्री के तौर पर चाहे किसी अन्य तौर पर। आदरणीय जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री और बलदेव तोमर जी हमारा जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने इसके लिए कदम उठाया और ये करके दिखाया, हाटियों को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिलाया। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।